इस क्वेश्चन में क्या है, देर इज अ कन्यादून एक्सप्रेस, ओके, कन्याकुमारी से देहरादून चलती है, ओके, इसकी जर्नी अप एंड डाउन की है, तो कन्याकुमारी से देहरादून, देहरादून से कन्याकुमारी, ठीक है। सो व्हाट 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 इज द कंडीशन विच इज गिवन टू यू, कंडीशन को फोकस करते हैं, ठीक है। कंडीशन इज गिवन टू यू दैट कन्यादून एक्सप्रेस स्टार्ट एट 9 AM एवरी डे एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो दोनों एंड से, सपोज दिस इज देहरादून, दिस पॉइंट इज देहरादून एंड दिस पॉइंट इज कन्याकुमारी। सो फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, दोनों ही एंड से यू विल फाइंड कि हर सुबह, ठीक है, एवरी डे 9 AM, 9 AM इज द डिपार्चर टाइम, 9 AM यहाँ से भी चलेगी ट्रेन, यहाँ से भी चलेगी यहाँ के लिए, और 9 AM कन्याकुमारी से भी चलेगी देहरादून के लिए, ठीक है, ओके। सो दिस कंडीशन इज गिवन टू यू, ओके, एंड रीचेस द डेस्टिनेशन एट 9:30 AM आफ्टर 3 डेज, ठीक है, ओके, और 3 दिन के बाद अपनी डेस्टिनेशन पहुँचती है 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, ठीक है। तो एक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर अगर यहाँ से मंडे, अगर यहाँ से मंडे को निकलेगी, ठीक है, मंडे को सुबह 9 बजे निकलेगी, तो कितने दिन लेगी, पूरे 3 दिन लेगी। सो मंडे टू ट्यूसडे, ट्यूसडे की सुबह 9 बजे एक दिन हो गया, वेनेसडे की सुबह 2 दिन हो गए, और थर्सडे की सुबह 3 दिन हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर थर्सडे को पहुँचेगी ट्रेन, ओके, तो मंडे को यहाँ से निकली, तो यहाँ पर पहुँचेगी थर्सडे को 9:30 बजे, ओके, समझ में आ रही है बात। एंड वाइसी वर्सा, एंड वाइसी वर्सा, अगर कन्याकुमारी से मंडे को निकलेगी तो थर्सडे 9:30 बजे सुबह देहरादून पहुंचेगी, ओके। चलो अब मुझे क्या दिया है, राहुल ट्रैवल्ड फ्रॉम कन्यादून एक्सप्रेस फ्रॉम कन्याकुमारी टू देहरादून, ठीक है। नाउ देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राहुल, ओके, अब ये जो राहुल है ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू देहरादून, ओके। सो हाउ मेनी कन्यादून एक्सप्रेस ट्रेन डिड ही क्रॉस एंड रूट कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब हम राहुल की कंडीशंस देख लेते हैं। तो राहुल निकला मंडे को, ओके, राहुल निकला मंडे की सुबह 9 बजे, ठीक है, राहुल निकला मंडे की सुबह 9 बजे, पहुंचेगा थर्सडे को, तो रास्ते में कितनी और उसको कन्यादून ट्रेन्स मिलने वाली हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो मंडे को सुबह 9 बजे निकला, तो सेम दिन मंडे को 9 बजे ट्रेन देहरादून से भी निकली होगी, जो राहुल को रास्ते में ज़रूर मिलेगी, ठीक है, ओके। तो बहुत इजी है इसको समझना, ठीक है। सो राहुल सी, तो राहुल के केस में क्योंकि राहुल मंडे को निकला है, मंडे को 9 बजे, ओके, कन्याकुमारी से तो राहुल देहरादून पहुंचेगा थर्सडे को 9:30 बजे, ओके। अब उसको कितनी ट्रेन्स मिलेंगी रास्ते पे वो हमें देखना है, ओके। तो जो पहली ट्रेन होगी, फर्स्ट ट्रेन जो राहुल को मिलेगी वो होगी मंडे की ट्रेन जो 9 बजे निकली होगी कहाँ से, देहरादून से, ठीक है। वो उसको ज़रूर रास्ते में मिलेगी क्योंकि राहुल भी 9 बजे निकला, क्योंकि दोनों एंड से ट्रेन्स क्या होती हैं, निकलती हैं, ठीक है, थीके? ओके, दोनों एंड से ट्रेन्स क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, फ्रॉम देहरादून टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम कन्याकुमारी टू देहरादून। तो राहुल कन्याकुमारी से निकल रहा है,
तो जब देहरादून के लिए निकलेगा वो 9 बजे, तो सेम टाइम पे देहरादून से भी एक ट्रेन निकलेगी 9 बजे जो राहुल को ज़रूर मिलेगी रास्ते में, ठीक है। सेकंड, ट्यूसडे, ट्यूसडे की जो 9 बजे वाली ट्रेन होगी फिर से जो देहरादून से निकलेगी वो भी ज़रूर मिलेगी राहुल को। तीसरी, वेनेसडे वाली ट्रेन फिर से जो 9 बजे निकलेगी देहरादून से वो भी उसको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो खुद थर्सडे पहुँचेगा, वो थर्सडे पहुँचेगा, लेकिन वो थर्सडे पहुँच रहा है 9:30 AM में। तो जो थर्सडे को निकली सुबह 9 बजे वाली ट्रेन, जो थर्सडे को 9 बजे वाली ट्रेन देहरादून से जो निकली है वो भी उसको रास्ते में मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं देहरादून का एग्जाम्पल लूँ तो कहीं डोईवाला हरिद्वार के पास मिलेगी। ओके, सो देर आर हाउ मेनी टोटल ट्रेन्स जो राहुल को मिलने वाली है, देर आर टोटल 4 ट्रेन्स, ठीक है। तो 4 ट्रेन्स, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देर इज नो कैलकुलेशन इन दिस। अच्छा, तो जो पहली ट्रेन सी, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सी द फर्स्ट ट्रेन जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मंडे को जो 9 बजे कहाँ से चलेगी, देहरादून से जो चलेगी वो उसको पहली ट्रेन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो 9 बजे चल रहा है मंडे को, तो एक ट्रेन मंडे को वहाँ पर 9:30 बजे भी पहुँचेगी जो जो संडे को चल चुकी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो पहली ट्रेन मिलेगी, वो मिलेगी संडे वाली, जो संडे को 9 बजे चल चुकी है, जो संडे को 9 बजे चल चुकी है देहरादून से। दिस विल बी द फर्स्ट ट्रेन जो कि मंडे को पहुंचेगी। ओके, द ट्रेन विल रीच ऑन मंडे 9:30 AM, वो ट्रेन सबसे पहली ट्रेन होगी। ओके, फिर दूसरी जो मंडे की, जो मंडे की मॉर्निंग निकलेगी वो ऑन द वे कहीं ना कहीं मिलेगी। तीसरी, ये समझ में आया व्हाई आई हैव टेकन संडे? कन्याकुमारी, सी कन्याकुमारी में 9 बजे ट्रेन निकल रही है, तो जब 9 बजे ट्रेन निकलेगी तो एक जो 9:30 बजे पहुंचने वाली है वहां पर ट्रेन, ठीक है, जो कि संडे निकली होगी देहरादून से, वो ट्रेन पहली ट्रेन होगी जो उसको मिलेगी ऑन द वे। दूसरी ट्रेन, क्योंकि हर दिन निकलती है सुबह, तो संडे को एक ट्रेन निकली देहरादून से, दूसरी ट्रेन निकलेगी मंडे को, वो उसको मिलेगी ऑन द वे, कहीं पर भी मिले। ओके, ठीक है। तीसरी ट्रेन जो ट्यूसडे को निकल रही है देहरादून से, ओके, वो मिलेगी। चौथी ट्रेन जो वेडनेसडे को निकल रही है वो मिलेगी। पांचवी ट्रेन, क्योंकि वो अब खुद पहुंचने वाला है, अब वो पांच अब सी नाउ, पांचवें दिन अब थर्सडे है, बिकॉज इट्स थर्सडे, अब थर्सडे को वो 9:30 बजे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर जो थर्सडे को जो मॉर्निंग 9 बजे जो ट्रेन निकली है देहरादून से वही तो मिलेगी उसे, फ्राइडे वाली ट्रेन कैसे मिलेगी भाई? अब आपने ये सी हियर, अब अभी जो संडे वाली ट्रेन है, दिस संडे वाली ट्रेन ट्रेन विल नॉट रीच ऑन मंडे ना, 3 दिन लग रहे हैं पहुंचने में। ओके ओके, सो द फर्स्ट ट्रेन जो देहरादून से फ्राइडे को निकलेगी, देहरादून से जो ट्रेन फ्राइडे को निकलेगी, इट विल टेक 3 डेज ना, सो फ्राइडे सैटरडे संडे, इट विल रीच ऑन मंडे 9:30, सो फर्स्ट ट्रेन विल बी फ्राइडे, वेरी गुड। पहली ट्रेन जो फ्राइडे को निकलेगी देहरादून से वो पहुंचेगी मंडे 9:30, इसको समझना, क्योंकि जो मंडे को जो ट्रेन निकलेगी कन्याकुमारी से 9:30 बजे तो ट्रेन पहुंचने वाली है ना कन्याकुमारी मंडे को भी, वो मंडे वाली ट्रेन कौन सी ट्रेन होगी जो 3 दिन पहले निकली होगी देहरादून से? तो 3 दिन पहले का मतलब है जो फ्राइडे निकली होगी। ओके, सो द फर्स्ट ट्रेन विल बी ऑफ फ्राइडे, ठीक है, मंडे के पहले वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्राइडे को निकली होगी देहरादून से 9 बजे, फ्राइडे को 9 बजे कहाँ से निकली होगी?
देहरादून से, ओके, ये मंडे पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन होगी जो सैटरडे निकली होगी 9 बजे, ओके। तीसरी ट्रेन होगी जो संडे, फोर्थ ट्रेन जो मंडे, फिफ्थ ट्रेन जो ट्यूसडे, सिक्स्थ ट्रेन जो वेनेसडे एंड सेवेंथ ट्रेन जो थर्सडे मॉर्निंग 9 बजे निकलेगी, वो ऑन द वे मिलेगी। सो नॉट फोर, देर आर टोटल 7 ट्रेन्स, ओके। को अच्छे से समझना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ट्रेन, क्योंकि कन्याकुमारी से राहुल निकल रहा है कन्याकुमारी से मंडे को, तो जो ट्रेन फ्राइडे को निकली होगी, जो ट्रेन फ्राइडे निकली होगी, मैं मंडे से पहले की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेन फ्राइडे निकली होगी, ओके, दिस ट्रेन विल रीच मंडे हियर। ये ट्रेन मंडे यहाँ पहुँचेगी कितने बजे, 9:30 बजे। सो दिस विल बी द फर्स्ट ट्रेन जो राहुल को मिलेगी रास्ते में, ओके। सो दिस विल बी द फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन कौन सी होगी, फ्राइडे वाली। दूसरी ट्रेन कौन सी होगी, सैटरडे वाली। ये सारी ट्रेन देहरादून से निकल रही हैं, ठीक है, क्योंकि खुद राहुल निकला है मंडे, तो राहुल पहुंचेगा थर्सडे सुबह। सो थर्ड ट्रेन होगी मंडे जो देहरादून से निकली है, फोर्थ होगी ट्यूसडे जो देहरादून से निकली है, फिर वेनेसडे, फिर ओके संडे, आई हैव मिस्ड संडे ऑल्सो, फिर थर्सडे लास्ट ट्रेन होगी थर्सडे वाली, क्योंकि थर्सडे वो मॉर्निंग 9:30 पहुंच जाएगा देहरादून, तो जो लास्ट ट्रेन थर्सडे मॉर्निंग 9 बजे जो देहरादून से निकलेगी वो उसको जरूर रास्ते में मिलेगी। सो 1 2 3 4 5 6 7, देर आर टोटल 7 ट्रेन्स, ठीक है।